अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर खदीजा। आज हम काउंटडाउन की बुक का काम करेंगे। सबसे पहले इसे खोलते हैं और देखते हैं हमने आज कौन सा पेज नंबर करना है। आज हम करेंगे पेज नंबर 20। ये आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 20 लिखा हुआ है, ठीक है। काम लिखने से पहले, क्या काम शुरू करने से पहले डेट लिखते हैं हमेशा, तो हम पहले डेट लिख लेते हैं। आज क्या डेट है? आज है 4th September 2020। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ट्रेस एंड राइट 3। हमने पिछली क्लास में भी 3 लिखा था, ठीक है, अब भी 3 लिखेंगे। पहले ट्रेसिंग कर लेते हैं और साथ साथ पढ़ लेंगे। तब ट्रेस करते हैं और साथ साथ आपने पढ़ना भी है। 3 3 3 3। अब 3 कैसे लिखना है पहले मैंने बताया था, अब फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कैसे लिखना है। या आपको 3 ऑरेंज कलर की लाइंस नज़र आ रही होंगी। पहली लाइन से थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है, मोड़ कर दूसरी लाइन पर लाना है, जैसे आधा दायरा बनाते हैं ऐसे। फिर जहाँ पर हमने छोड़ा है उससे दोबारा शुरू करके मोड़ कर तीसरी लाइन पर लाना है, ठीक है। जैसे पहला बनाया था वैसा ही दूसरा। ये क्या बन गया? 3। अब मेरे साथ साथ लिखते जाएँ और पढ़ते जाएँ। 3 3 3 3 3। ये काम आपने किससे करना है? पेंसिल से, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो आप इरेजर से इरेज कर सकें, ठीक है। और इन 3 ऑरेंज लाइन के ना ऊपर होना चाहिए 3, ना नीचे, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ इनके ऊपर, वैसे ही लिखना है आपने भी। ये क्या बना रही हूँ मैं? 3, ठीक है। 3 3 3 3 3 3 3 लिखा है मैंने। इसके बाद पेज नीचे करते हैं। यहाँ पर लिखा है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 3 टू ईच ग्रुप विथ 3 ऑब्जेक्ट्स कलर द पिक्चर्स। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये जो 3 लिखा हुआ है इससे एक लाइन बनानी है आपने। कहाँ पर लाइन बनानी है? उन 3 चीज़ों पर जो बनी हुई है सामने, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ों पर हमने लाइन लगानी है जो 3 है। कितनी है? 3। नंबरिंग में वो 3 हो, 3 चीज़ें होनी चाहिए, तो हम उस पर लगाएंगे। अगर 3 से कम या ज़्यादा हैं तो हम उस पर लाइन नहीं लगाएंगे। मतलब उन चीज़ों को हम 3 से नहीं मिलाएंगे अगर वो ज़्यादा या कम है 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें रॉबर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये काउंट करने कितने हैं? 1 2। ये 2 है, 3 तो नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे नहीं मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फिशेस बनी हुई हैं। अब काउंट करने कितनी हैं? 1 2 3। कितनी फिशेस हैं? 3। तो हम इसको 3 से मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एलिफेंट है, एलिफेंट आपको नज़र आ रहा है 1 एलिफेंट है, तो हम नहीं मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर शर्ट्स बनी हुई है, 1 2 2 शर्ट्स हैं, तो इसका मतलब हम इन्हें आपस में नहीं मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बलून्स हैं, बलून्स कितने हैं? 1 2 3 3 बलून्स हैं, इसका मतलब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे, ठीक है। मैचिंग वाला काम हमने कर लिया। अब हमने इन तमाम तस्वीर में, मतलब इन सब पिक्चर्स में हमने कलर्स करने हैं। तो पहले कलर्स कर लेते हैं, कौन कौन से कलर्स करने हैं देख लें। ये बलून्स बने हैं, इन पे हम 3 डिफरेंट कलर करेंगे, अलग अलग, ठीक है। एक पे पिंक निशान लगा लेते हैं पहले, फिर कलर कर लेंगे। एक पे ब्लू और एक पर ग्रीन। इस तरह से नीचे यहाँ पर एलिफेंट नज़र आ रहा है, एलिफेंट पर हम ब्लैक कलर को बिल्कुल हल्का हल्का करेंगे ताकि वो ग्रे कलर बने, ऐसे हल्का हल्का, सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर शर्ट बनी हुई है, एक पर येलो, दूसरी पर डार्क ब्लू। इसके बाद यहाँ पर फिशेस नज़र आ रही, इन्हें भी हम कलरफुल करेंगे, मतलब एक पर रेड, दूसरी पर ऑरेंज और तीसरी पर येलो, ठीक है। देखें ये रोबोट बने हुए, इन पर हम कौन सा कलर करेंगे? इनकी कैप पर और इनके बीच में जो स्क्वायर बना हुआ है इस पर, ठीक है, ब्लू कलर, और बाकी इसके तमाम पार्ट्स पर ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। फेस पर भी और हर पार्ट पर, लेग्स पर, हैंड्स पर, सब पर, ठीक है। अब हम कलर कर लेते हैं।
पेज नंबर 20 की पिक्चर्स में कलर कर लिए हैं, ठीक है। और हमने राइटिंग वाला काम भी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का काम पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।